जीवन में संघर्ष से ही सफलता मिलती है और ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो संघर्ष से टूटते नहीं। शुरुआत सब कर लेते हैं, लेकिन मुकाम तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं। आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इतना संघर्ष किया कि सफलता को उनके कदम चूमने ही पड़े। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं केबल इंडस्ट्री के सरताज राहुल डब्बास जी की। आज राहुल डब्बास जी का जन्मदिन है और हमारी यानी हरियाणा बीट्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आपको बताते हैं राहुल डब्बास जी के बारे में। राहुल डब्बास जी का जन्म 22 मई 1980 को दिल्ली के लाडपुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री जगत सिंह और माता जी का नाम श्रीमती बिमला देवी जी है। राहुल के परिवार में माता पिता, पत्नी, दो बच्चों के अलावा दो भाई और एक बहन है। इनकी शुरुआती शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने दिल्ली का रुख किया, लेकिन राहुल को एक बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि जीवन में सफलता पानी है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने कमर कस ली और बस कंडक्टर के रूप में पहली नौकरी हासिल की। जल्द ही इन्होंने इस नौकरी को छोड़कर एक मारुति 800 कार ली और उसे किराए पर चलाने लगे। लेकिन राहुल का मन कुछ बड़ा करने का था, इसलिए साल 1998 में उस समय उभरते हुए केबल इंडस्ट्री की तरफ कदम बढ़ा लिए। शुरुआत दिल्ली के मुंडका से की। इनकी मेहनत रंग लाई और संघर्ष के दम पर मात्र एक वर्ष बाद यानी कि 1999 में इन्होंने खुद का हेडेंट स्थापित कर लिया। अब तो मानो सफलता ने राहुल का हाथ पकड़ ही लिया हो। राहुल को फूड इंडस्ट्री का भी शौक था। केबल इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के बाद 2006 में राहुल ने कान्हा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सापला, 2012 में दिल्ली में ओबार खोला, लेकिन उतनी सफलता हासिल नहीं हुई। फिर वो दोबारा अपनी इंडस्ट्री में यानी कि केबल इंडस्ट्री में बिजी हो गए। 2011 तक राहुल ने केबल इंडस्ट्री पर राज किया। थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सब मुश्किलों को आसानी से पार कर लिया। संघर्ष के दौरान कई खास लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन धर्मवीर, आजाद, निशांत राज, अमरजीत, रविंदर, गोगी, देविंदर, जीतू, गगन जैसे कुछ साथी हैं जो शुरू से आज तक साथ हैं। 2012 में केबल इंडस्ट्री का डिजिटलाइजेशन हुआ और फिर नई चुनौतियां सामने आ गई, मगर राहुल कठोर मिट्टी के बने हैं। उन्होंने इसे भी अवसर के तौर पर लिया और गुरुग्राम में अपना नेटवर्क शुरू किया। ऐसे में उनको अच्छी सफलता मिली और देखते ही देखते हरियाणा के कई जिलों में इनका नेटवर्क फैल गया। 2015 में इन्होंने फिर फूड इंडस्ट्री की तरफ रुख किया, जिसमें इनको बहुत सफलता मिली। उसी का परिणाम है कि आज इनके थेमिस के नाम से रेस्टोरेंट्स कई शहरों में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इनकी शुरुआत थेमिस बारबेक्यू हाउस NSP 2015 से हुई। उसके बाद थेमिस मड हाउस सापला 2018, थेमिस बारबेक्यू हाउस पानीपत 2019, थेमिस बारबेक्यू हाउस करनाल 2021, थेमिस मड हाउस रिजॉर्ट सिंहपुरा रोहतक 2022, थेमिस क्रीक हाउस मुरथल 2023 और हाल ही में 19 मई 2023 को थेमिस बारबेक्यू हाउस अंबाला की ओपनिंग हुई। All the very best to Rahul Dabas ji for their new venture, Themis Barbecue House. और ऐसी तरक्की करते रहिए। Thank you. All the very best to Dabas. भाई शुभकामनाएं Themis के लिए और भगवान करे खूब चले, लोग बहुत मजे ले, enjoy करें। God bless you. इसके अलावा इन्होंने 2018 में हरियाणवी कल्चर को दिखाता हुआ म्यूजिक चैनल हरियाणा बीट्स शुरू किया, जो आज तक 11 स्टेट्स में देखा जाता है। राहुल अपनी कर्मभूमि नांगलोई को मानते हैं, देश विदेश घूमते हैं, लेकिन अपने गांव को सबसे पसंदीदा जगह बताते हैं और अपना ज्यादा समय दादा पोबारा मंदिर लाडपुर की सेवा करते हुए गुजारते हैं। राहुल डब्बास दादा पोबारा मंदिर लाडपुर के सेवक हैं। फिटनेस पे ध्यान देते हैं और खिलाड़ियों की हर संभव मदद करते हैं।
अपने गांव के लोगों और गरीबों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे नेक दिल इंसान राहुल डब्बास जी को उनके जन्मदिन पर हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और दुआ करते हैं कि ऐसे ही सफलता की सीढ़ियां खुशी खुशी चढ़ते रहें।